टॉमी नाम का ये शख्स अपने दोस्तों के साथ अक्सर मक्के के इन खेतों में स्केयर क्रो के फेस पर बोतलें फोड़ा करता और उसे बैट से मारा करता था। अगले ही दिन हेलोवीन नाइट्स में टॉमी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। नशे की हालत में अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ उसी मक्के के खेतों में चला जाता है। काफी ढूंढने पर भी उसे उसके दोस्त वहाँ दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ इस स्केयर क्रो से कुछ अजीब तरह के कीड़े और मक्खियां बाहर आ रहे थे। तभी अचानक टॉमी को उन मक्के के खेतों से कुछ आवाज आती है और वह देखता है कि जो स्केयर क्रो 5 मिनट पहले ही वहाँ था वो अब वहाँ है ही नहीं। तभी टॉमी को अचानक अपने पीछे से कोई जाता हुआ दिखाई देता है और फिर अचानक वही स्केयर क्रो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्केयर क्रो उसी की तरफ घूर रहा था और उसके अंदर अचानक से जान आ चुकी थी। टॉमी उससे बचने के लिए फौरन अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन वह स्केयर क्रो भी उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते टॉमी का पैर फार्मिंग रैक में आ जाता है और वह उससे नीचे गिर जाता है। टॉमी उस फार्मिंग रैक को उठाकर उस स्केयर क्रो के पेट में डाल देता है, मगर उससे स्केयर क्रो को कुछ भी नहीं होता। स्केयर क्रो उस रैक को अपने शरीर से निकालकर उल्टा उस लड़के के पेट में ही डाल देता है। लड़का किसी तरह भागकर अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन अब अचानक उसका पूरा शरीर एक स्केयर क्रो के रूप में ही बदलने लगता है।